तो फ्रेंड्स, ये क्लच बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, हम एक जिप लेंगे, रनर लेंगे, मार्कर यानी चॉक लेंगे, हमें टेप की ज़रूरत पड़ेगी, सीजर और कपड़ा, और अंदर डालने के लिए एक इनर कपड़ा होगा, और उसके अलावा बीच में हम एक फॉर्म डालेंगे जो कुछ इस तरह से होगा। ये थर्मोकोल फॉर्म है, आप चाहें तो जो स्पंज फॉर्म आता है वो भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये पड़ा था, पुराना कोई पैकिंग पे आया था, तो इसी में से हम बनाएंगे। कपड़ा आपको बाहर का जो लेना है वो थोड़ा सा मोटा वाला लेना है। आप बहुत पतला वाला लेंगे तो वो फिर अच्छा, उसका एक जो आना चाहिए जो उसका फाइनल टच वो नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये मेरे पास पर्दे जैसा कपड़ा था उसको ही लिया है। अब हम पहले नाप लेते हैं, जो भी साइज का आपको क्लच बनाना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, दोनों साइड्स और चौड़ाई और लंबाई दोनों में। देखिए, इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 13.5 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 9 सवा 9 के आसपास है, 9 है। ये देखिए, यहाँ पे हम इसको 9 इंच का लेंगे, क्योंकि हमें क्लच जो बनाना है बहुत डीप नहीं बनाना है, तो हम 9 के आसपास लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। बराबर कर लिया है, अब ये सीधा दिख रहा है। अब हमें इसके अंदर फॉर्म डालना है। हम ये कपड़े को साइड में रख लेंगे, और हम ये फॉर्म शीट इसके साइज की कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा कट किया है। अब इसको हमें इस तरह से रखते हुए और पूरे चारों कोनों में हमें सिलाई ले लेनी है। पहले हम इसके साथ इसे फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये कपड़ा काट लिया है जो इससे 2 इंच एक्स्ट्रा है। ये देखिए, मैंने इस तरह से रखे, थोड़ा थोड़ा साइड में भी एक्स्ट्रा रखा, और इस दोनों तरफ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट किया है। अब हम इस हिस्से के इस टुकड़े को दो कर देंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे। ये इस तरह से हमने दो हिस्सों में कट कर लिया है। अब हमें ये वाले हिस्से पे चेन को रखना है। चेन मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है जो हम बाद में कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे चेन को। चेन को उल्टा रखना है, कपड़ा सीधा रखना है, चेन को उल्टा रखना है, और ये वाला जो टुकड़ा है उसे उल्टा रखना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम सिलाई लेंगे, पूरा यहाँ पे हम सिलाई लेंगे, ताकि जब हम इसे पलटी करेंगे तो अंदर ये सीधा हो जाएगा, चेन सीधी हो जाएगी, और हमारा ये कपड़ा भी सीधा हो जाएगा। फिर से एक बार फ्रेंड्स आपको समझा देती हूँ। आपको ये जो हिस्सा है बाहर वाला उसको सीधा लेना है, चेन उल्टी लेनी है। ये देखिए, ये सीधी है, ये उल्टी है। चेन को इस तरह से उल्टा रखना है। अगर आप तीन कपड़े एक साथ में नहीं पकड़ सकते तो आप पहले चेन को फिक्स कर लीजिए, उसके साथ हम ये कपड़े को उल्टा रखेंगे, जो हमारा इनर साइड का कपड़ा है उसे उल्टा रखेंगे, और उसको भी यहाँ पे हम सिल लेंगे। इसी तरह से हम इस तरफ भी करेंगे। जब इस तरफ करेंगे तो ये जिप को हम पूरा यहाँ से खोल देंगे, ये अलग कर लेंगे हम जिप को, और बाकी का जो हिस्सा है उसे भी सेम जैसे हमने एक तरफ किया था वैसा ही करेंगे हम। यहाँ पे इसे हम इस तरह से फिक्स करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हाँ इस तरह से हम उल्टा रखेंगे जिप को, यहाँ फिक्स करेंगे, और ये बाकी का जो टुकड़ा है उसे भी हम यहाँ पे उल्टा रख के फिक्स कर लेंगे। तो चलिए पहले हम दोनों हिस्सों को फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये कपड़े फिक्स कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे जैसे मैंने बताया था जिप को उल्टा रखा था, कपड़े को उल्टा रखा था, और दोनों को साथ में मैंने तीनों को एक साथ सिल लिया है, इसे भी सिल लिया है। अब हमें ये दो जो हमारे अंदर के कपड़े हैं उसे इस तरह से पकड़ना है इस तरह से, और ये इस तरह से करके यहाँ पे हमें एक सिलाई लेनी है, यहाँ पे हमें सिलाई लेनी है, और फिर इसे हमें पलटी मारना है इस तरह से, तो ये पूरा सीधा होके अंदर चला जाएगा। तो चलिए पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे सिलाई मार लेते हैं।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा पूरा ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम इसके अंदर ये रनर डालेंगे। रनर डालने से पहले फ्रेंड्स मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ मैं एक छोटा सा पॉकेट बनाऊँ बैक साइड में। ये मेरा बैक साइड है, ये मेरा फ्रंट साइड होगा, तो मुझे बैक साइड में अंदर की तरफ एक छोटा सा पॉकेट चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये मेरे पास एक वेलवेट का टुकड़ा पड़ा था, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, और जो भी चौड़ाई में मुझे चाहिए, छोटा सा ही चाहिए सिर्फ पैसे वगैरह या मोबाइल रखने के लिए, तो हम बस ये नाप लेंगे और इस हिसाब से थोड़ा सा साइड साइड से छोड़ते हुए हम इतना कट कर लेंगे। पहले इसे सीधा कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसे अंदर की तरफ डाल रहे हैं तो इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से है, मैंने नाप लिया है। ये हमने कट कर दिया है, अब हम इसे पहले ये फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके फिर अंदर की तरफ से हम इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से यहाँ और यहाँ तीन तरफ हम सिलाई ले लेंगे। ये देखिए हमारा काफ़ी ये गहरा पॉकेट है, इसमें हम मोबाइल रख सकते हैं, कुछ हमारे कैश है तो वो अलग से हमें नोट वगैरह रखनी है तो रख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी सिलाई ले लूँगी। तो चलिए पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने दोनों कोने भी सिल लिए हैं। मेरा कपड़ा अंदर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे और एक सिलाई लगा दी, और अब हम यहाँ से धागे सारे काट लेंगे। और इसके अलावा ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है उसे भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि हम अंदर इतना बड़ा नहीं रखेंगे। यहाँ से भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, ताकि हमें फोल्ड करते टाइम दिक्कत ना आए। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, यहाँ पे हमारा पॉकेट आ गया है, और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से जिप को खोलेंगे धीरे से और इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है चेन को दोनों तरफ से, और अब हम इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। कुछ इस तरह से, तो ये देखिए हमारा क्लच बन के रेडी है। ये देखिए यहाँ से हमारा ये पॉकेट आ गया, यहाँ पे हम सामान रख सकते हैं, और ये कुछ इस तरह से। जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो हम काट लेंगे। ये मोबाइल रखने जितना ही हमने अंदर का पॉकेट बनाया है, काफ़ी हमारा गहरा है तो मोबाइल भी निकल नहीं जाएगा, और हम एक्स्ट्रा पैसा वगैरह भी रख सकते हैं, साइड में हमारी चीज़ें रख लेंगे, और ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा क्लच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।